गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी, तो आप इंस्टाग्राम पे बताना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप बताना कि कौन आपको, अगर ये वीडियो मतलब किस किस को हमारी जो वीडियो थी वो अच्छी लगी, बताना गाइस। और फिलहाल गुड आफ्टरनून हो रहे हैं, क्योंकि हमने लेट ब्लॉग स्टार्ट करा है। सॉरी, मेरे को बार बार हिचकी आ जा रही है, बार बार हिचकी। और अभी फिलहाल सिर्फ मैं ही थोड़ा सा बोर हो रही हूँ, क्योंकि भाई फ़ोन में लगा हुआ है, पापा अपने ऑफिस के काम में और मम्मा सोई पड़ी है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो फिल्म देखती हूँ, क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लूँगी या अपने पीसी पे गेम खेलूँगी, क्योंकि भाई तो उस पर गेम खेल रहा है ना फ़ोन पे, तो इसलिए मैं मेरे को पीसी पे गेम खेलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊँ पीसी पक्का। तो ये हमारा पीसी सेटअप है एक्चुअली। वैसे तो यूजली भाई यूज़ करता है, क्योंकि मुझे पीसी इतना चलाना नहीं आता है, बट मैं अब ज़्यादा थोड़ा सा यूज़ करने लगी हूँ। बट पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं टच करती थी, टच तक नहीं करती थी उसको, मैं उसमें खेलती नहीं थी गेम ना कुछ, और ऐसे मुझे आती नहीं है इसमें। गेम खेलना आता है बट इसमें बट मैं खेलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को आदत तो फ़ोन की, भाई तो फ़ोन तो भाई चला ही सकता है और पीसी भी चला सकता है, बट मैं पीसी नहीं चला सकती, मैं सिर्फ फ़ोन ही चला सकती हूँ। अभी फिलहाल जब मैं बड़ी होंगी तो, वैसे अब मेरे को थोड़ा बहुत आता है, पहले तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, तो फिर भाई ने बोला, सॉरी पापा ने बोला कि इसको थोड़ा सा सिखा दिया करो, तो भाई ने मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल सिखाए, और उसके बाद अभी मेरे को आता, मैं इतनी ट्रेनिंग लेती, अब मैं मतलब खुद ही थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि क्या करना है। अब तो वैसे मुझे चलाना आता है, बट गेम में ना एक्चुअली जल्दी जल्दी कंट्रोल्स नहीं रखते, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है। फिलहाल गए जो भी मैं क्या कहते हैं, मिलती आपको लंच करने के बाद, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम कम से कम एक्चुअली 2:30 हो चुके हैं, तो इसलिए अभी बस मैं लंच करूँगी, तो उसके बाद आपको मिलते हैं लंच के बाद। हिचकी आ गई, बस मेरे को बहुत हिचकी आ रही है, मैं क्या करूँ, मेरे को हिचकी आ रही है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो वैसे अभी फ़िलहाल मैं मिलती हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर दी, तो बाकी बात बाद में करेंगे, मैं अभी बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, पर चले अभी मैं इतना यही व्लॉग बना दूँ, आज सिर्फ यही एडिट करना पड़े, तो अभी हम मिलते हैं आपको लंच के बाद। तो गाइस, अब हम करने वाले क्यों है, हमने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमें आपको सरप्राइज देना था, सरप्राइज, तो इसलिए। और क्यों है, ऐसा नहीं होगा कि आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन था तो हमने आपको आज करना, हम बात करते डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ पर जाके ये सवाल का जवाब दे सकते हो। मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, इंग्लिश बिट्टू बोल रहा है, क्या हुआ अब भाई, क्वेश्चन स्टार्ट।
करो, हम बातें बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हम कहाँ पर रहते हैं? हम कौन सी जगह पर रहते हैं? मतलब ये दो क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, उसका दो मीनिंग बता रही हूँ। और गाइस आपको ये इंस्टाग्राम पे बताना सब मैंने दे दिया कि आपको कैसे कैसे करना और कैसे कैसे आंसर्स देने हैं। और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आपको हमारा फोन लेके बैठना है, फोन जितना भी आपको लाना है तो तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी और भाई की एज क्या है? मतलब हमारी, हम दोनों की, भाई और मेरी उम्र क्या है? उम्र हिंदी में बोल रही, मैं हिंदी इंग्लिश बोल रही, वैसे मैं मुझे इनका नाम क्या पता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं? आप कुछ नहीं बोला, आप कुछ नहीं बोला, पता चल जाएगा ना। ये मुझे परेशान कर रहा है बिना नाम वाला पेरेंट्स। तो गाइस थ्री प्रश्न है, तीन प्रश्न और थ्री क्वेश्चन, तीसरा हमारे आपके लिए और आपकी स्क्रीन पे ये रहा हमारे घर, हम बताने वाले हैं हमारे घर जो दो पैरेट्स रहते हैं उनका नाम क्या है, उनका नेम क्या है? हमारे घर दो पैरेट्स रहते हैं, आपको पता है? जैसे कि ओए बोलो मत, नाम पता चल जाएगा, बोल मत, चुप रह, चुप। इतनी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए मेरे भाई के साथ। आवाज नीचे है तो मेरा भी भाई ना, आवाज नीचे, फिर आपको पता चल जाएगा क्या करें। क्योंकि गाइस ये बहुत बोलता है, ये जिस ध्यान से देखिए इस मेरे भाई को और ध्यान से देखिए इस लड़की को जो मेरी बहन है, जो बहुत बोलती है, बहन आपको नाम नहीं बताएंगे गाइस, हम आपको बताना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोले, आप बोलिए मिठू को उठाइए, आओ मिठू, आओ मेरे गुगू, आओ बैठो बैठो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हमारी फैमिली में कौन कौन है जो हमारे साथ हमारे घर में रहता है? इसे रख क्वेश्चन नहीं करता, हमारी फैमिली में कौन कौन रहता है जो हमारे घर में रहता है? क्या ही क्वेश्चन है, हमारी फैमिली में कौन कौन रहता है और हमारे घर में कौन कौन रहता है, मतलब जो हमारे साथ हमारे घर में रहता है, ठीक है? तो फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए, एक बार क्वेश्चन भी करता हूँ, हमारी फैमिली में कौन कौन है जो हमारे साथ हमारे घर में रहता है? जल्दी से इसका आंसर बता दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूँ, आप सबको समझ में आ जाए। हम जो वीडियो शूट करते हैं वो किससे करते हैं, मतलब अब मैं हिंट्स नहीं दे सकती, जैसे बहुत सारी चीज होती है, बट अगर मैंने बताई है तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या करें, मतलब किस कैमरे से करते हैं। जैसे अब बहुत सारी चीज होती है, जैसे DSLR होता है, हाँ, और GoPro होता है, और फोन होता है, और क्या होता है बस इतना इतना, और उसके बाद मैं कुछ बता दी। तो गाइस सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके लिए, जो अभी शायद वीडियो आई थी कि पापा मम्मा ने हम लोगों को एक फोन गिफ्ट किया था, तो आप बताओ कि मम्मा पापा ने हम लोगों को कौन सा फोन गिफ्ट करा था? जल्दी बताओ, जल्दी। एक और दोबारा से पूछ लेता हूँ, पापा ने हमको मेरे को कौन सा फोन दिया था, उसका नाम चाहिए, ठीक है? नाम चाहिए और कंपनी अच्छा दोगे आप, ठीक है? तो जल्दी से बता दो, तो चलो
अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन है गाइस, आपने हमारी गोलगप्पा चैलेंज वाली वीडियो देखी होगी, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो हमने गोलगप्पा चैलेंज करता था, आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें विनर कौन था? दोबारा से बोल रहा हूँ, जो आपने गोलगप्पा चैलेंज वाली वीडियो देखी थी उसमें विनर कौन था? अब आप कुछ बोलना नहीं है, देखो बोलना नहीं कुछ, चुप रहो, कैसे मुंह से निकल जाएगा तो इसलिए चुप नहीं रह सकते तुम दोनों। तो गोल का बचाने में कौन विनर था, ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है। तो जल्दी से जाके उसका जवाब दे दो इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लो। तो एट्थ क्वेश्चन आपके लिए आता है कि जो हम दोनों ने पिज्जा बनाया था, पिज्जा वीडियो देखी होगी शायद आपने, तो हमने कौन सी टॉपिंग वाला पिज्जा बनाया था, उसमें कौन कौन सी टॉपिंग डाली थी और वगैरह वगैरह, वो तो आप बता ही रहोगे ना, तो जल्दी से बता दो। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। अब्जी का और जॉय ने, मतलब हम दोनों ने कौन सी टॉपिंग डाली थी पिज्जा के ऊपर, तो उसका नाम, मतलब उसका आपको नाम बताना है डिटेल में, ठीक है? तो यहीं पर ख़त्म होता है आज का हमारा क्यू एंड ए वीडियो। तो अभी हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी फिलहाल हमने खा लिया है खाना, और आज हमने खाने में कुछ स्पेशल बनाया था, तो वो बनाया था वेज क्रिस्पी मखनी रैप, क्योंकि गाइस लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर से कुछ मंगवा नहीं सकते, मंगवा सकते हैं बट वो हमारी सेफ्टी है, तो इसलिए हम बाहर से कुछ नहीं मंगवाते, हम घर पे बनाते हैं सब कुछ। आपको पता है मम्मा शेफ ही है, आपको पता है, क्योंकि पहले हम कुकिंग की वीडियोस डालते थे और अब हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे, और हमारे केक वाले वीडियो में बहुत सारे व्यूज आ गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और हमने इतने सब थोड़े दिन में अपने चैनल को और सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, मैंने सोचा नहीं था कि इतने होंगे बट हो चुके हैं। अब मेरे को बिलीव नहीं होता कि तो अभी फ़िलहाल एक्चुअली मैंने देखे थे तो तब तो मैं 76 सब्सक्राइबर्स थे, तो थैंक यू टू ऑल। एंड मतलब जैसे ही पहले आए हमारे 3 सब्सक्राइबर्स थे, तो तब इतना हमारा चैनल वो नहीं था और इतना ज़्यादा कोई देखता भी नहीं था, और फिर हमने जब व्लॉग डालने स्टार्ट करे तो फिर हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो हुआ, और अब कम से कम 76 सब्सक्राइबर्स है, मैंने आपको बता दिया। तो जैसे एकदम से उसके बाद पहले जब 3 हुए थे उसके बाद 16 पे बढ़ गया, तो पहले मुझे लगा था कि नहीं बढ़ेगा चैनल इतना, बट अब ग्रो हो चुका है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर वीडियो पे इतने सारे व्यूज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस बस अब मेरे से ना कुछ ज़्यादा ही निकल जाता है मुँह से, तो फिलहाल अभी वैसे क्यों होता है क्या, मैं इतनी बातें करती हूँ, मेरे माइंड में इतनी सारी बातें होती हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकती, बता सकती हूँ बट उसके लिए वीडियो के जैसे टाइम तो कम मिलता है ना, तो तब जब बनाते हैं तो तब इतना करेंगे तो फिर ना थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।